इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। सांसद नकुल नाथ ने जामई विधानसभा के विधायक प्रत्याशी सुनील उइके के समर्थन में प्रचार करते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी 17 नवंबर को पंजे की बटन दबाकर पुनः अपना विधायक सुनील उइके को चुनेंगे। जब आप सुनील उइके को वोट देंगे तो यह वोट कमलनाथ जी को भी जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके शपथ लेने के उपरांत सभी के साथ इंसाफ होगा, नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीनों की जांच होगी और पूर्व की तरह ही उनका अधिकार उन्हें वापस लौटाया जाएगा। जिले व प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ के द्वारा दिए गए वचनों को भी प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। आज प्रियानाथ ने परासिया विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान प्रिया ने कहा कि 18 वर्षों में रोजगार तो बढ़ा नहीं किंतु बेरोजगारी भरपूर बढ़ी, आम नागरिक की आय सीमित रही परंतु महंगाई खूब बढ़ी है और इससे प्रत्येक वर्ग और नागरिक की बचत क्षमता भी प्रभावित हुई है। जिस तरह हम सभी महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारी उठाती हैं और अधिक से अधिक रुपयों की बचत करने की सोचती हैं, ठीक उसी तरह इस दफा हमें अपने प्रदेश और जिले की जिम्मेदारी उठानी है। प्रियानाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार और महंगाई से छुटकारा पाने के लिए कमलनाथ जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। निश्चित ही आपका वोट परासिया के विधायक प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि को जाएगा, किंतु यही वोट कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री भी बनाएगा। शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत BSNL कार्यालय परिसर में लगे मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया। मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर उसे सकुशल नीचे उतारा और युवक की काउंसलिंग के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एक युवक BSNL कार्यालय परिसर में लगे टावर पर चढ़ गया और लोगों के समझाने के बाद भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आप माइंड इसका लगभग इसी महीने के आसपास होगा, याद तो नहीं है। ये अचानक सपने में बड़बड़ाता है, हाथ पैर हिलाता, पटकता, फिर दौड़ो दौड़ो, ये दो आगे दरवाजे मारने, ऐसा बोलता। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की प्रत्याशी अब प्रशासन के द्वारा बी फॉर्म नहीं मिलने से गोंडवाना की बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश में 60 प्रत्याशी लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। आपसी विवाद के कारण प्रशासन के द्वारा प्रत्याशियों को बी फॉर्म प्रदान नहीं किया गया, जिसके कारण गोंडवाना के प्रत्याशी पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय गोंडवाना के बैनर तले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जिसकी जानकारी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झमकलाल सरेआम ने दी। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग हमारी भारतीय गोंडवाना पार्टी के बैनर तले ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा का। हमने सबको ये दे दिया सूचना, क्योंकि आयोग ने सिर्फ ये कहा है कि आपका कोई अधिकृत पदाधिकारी नहीं होने के कारण आपको AB फार्म नहीं दिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, AB फार्म आयोग ना दे, लेकिन अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के बैनर के नीचे ही हम लोग पर्चे में छपाएंगे और उसी के नीचे हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार। चुनावी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह आने जाने वाले संदेश वाहन एवं काली फिल्म वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। उसी क्रम में इंदिरा चौराहे के पास से देर रात कोतवाली पुलिस एवं पुलिस बल के द्वारा वाहन चेकिंग की गई। इस दशहरा और दिवाली में पाएं आशुतोष कंप्यूटर में ऑनलाइन से भी सस्ते दाम में लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV कैमरे, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आएं आशुतोष कंप्यूटर, M34 फर्स्ट फ्लोर, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा और आनंदी कॉम्प्लेक्स जमाई रोड परासिया। मोबाइल नंबर 9993773161, 9302773161। वोल्टास बैको की एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप अब आपके शहर छिंदवाड़ा में नागपुर रोड नियर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रारंभ हो चुकी है, जहां आप पाएंगे आपके घर की जरूरतों के होम अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला, जिसमें वोल्टास बैको के एयर कंडीशनर,
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर बता रहे, नियर इलेक्ट्रॉनिक्स DDC कॉलेज के सामने, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425936566, 9165866666। नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर। घर ले जाएं जापान का नंबर एक कुबोटा ट्रैक्टर। संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, चार फाटक, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425306199। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्दी। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेफ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प द्वारा कलेक्ट्रेट में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के नाम निर्देशन पत्रों की वापसी के बाद कमेटी की बैठक ली, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग यूथ गर्ल्स चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 10 नवंबर को केरल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश वेटलिफ्टिंग टीम में जिले की महिला वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी ऐश्वर्या पवार को शामिल किया गया है। ऐश्वर्या जिले की पहली महिला वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी है जो खेलो इंडिया यूथ गर्ल्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो ऐश्वर्या पवार है वो नेशनल के लिए सेलेक्ट हुई है खेलो इंडिया में। गर्व का विषय है कि ये बिटिया हमारे लिए यहाँ से पहली बिटिया जो है वो वेटलिफ्टिंग में केरला खेलने जा रही है, तो मैं उसको शुभकामना देता हूँ। पहली बार खेलो इंडिया के लिए गर्ल्स में एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है जिसका नाम ऐश्वर्या पवार है और ये नेशनल जो खेलो इंडिया के लिए होने जा रहा है वो 6 से 10 नवम्बर केरला में आयोजित होना है। ये बहुत ही फख्र की विषय है कि अभी तक के रिकॉर्ड में हमारे यहाँ छिंदवाड़ा जिले से पहली लड़की ऐश्वर्या पवार का सिलेक्शन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप यूथ के लिए हुआ है। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार सौंसर के मोहगांव निवासी रमेश पिता सुरभ सिंह सीलू को गुरुवार देर रात मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पुत्र रमेश सीलू हैदराबाद में मजदूरी का काम करता है। गुरुवार को वह हैदराबाद से मोहगांव लौटा था और पैदल घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में दमुआ के कन्हान नदी में एक युवक का शव मिला है। युवक की पहचान दमुआ की वार्ड क्रमांक 11 निवासी संजू पिता सरवन तायवाड़े के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक संजू मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था और फल फ्रूट की दुकान में काम करता था। संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह नदी किनारे पहुंचा होगा और मिर्गी आने से वह नदी में गिर गया होगा, जिससे उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई।